Assalamualaikum दोस्तों, this is me your friend and host RJ मोहम्मद हसनैन। मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नए व्लॉग के साथ। दोस्तों, जिस तरह कि हम दोनों को पता है कि ईद चल रही है, और आज मैं आपको एक पब्लिक सर्विस अवेयरनेस के हवाले से एक मैसेज दूंगा अबाउट सफाई के बारे में। दोस्तों, आजकल यहाँ पर गंद लोग गिराते हैं, जिससे हमारा माहौल ख़राब होता है, जो हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर एक चीज़ का अपना अपना ख्याल रखना चाहिए। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख सकते हैं, गंद का हर एक चीज़ का अपना एक ख्याल का वक्त होता है। और फिर दोस्तों, वहाँ पर एक दूसरा काम होता है। जब आप गंद गिराते हैं तो एक काम लाजमी है, जब आप स्ट्रीट में होते हैं तो एक कॉर्नर में इस तरह जगह होती है जहाँ पर आप गंद गिरा सकते हो। गंद गिराने के लिए उस जगह पर एक स्पेसिफिक टाइम भी होता है कि सुबह के वक्त गंद वाले उसे उठा सके। और साथ में ये प्रॉब्लम हम लोगों की नहीं है, साथ में WSSP और ये सारे लोग अपने अपने काम को कर रहे हैं। ये हम लोग हैं जो ये गंद गिराते हैं, जिसकी वजह से ये गंद आता है। दोस्तों, ये वजह है। और साथ में सबसे बेस्ट वजह होगी कि आप लोग डस्टबिन में ज़्यादा से ज़्यादा गंद गिराएं। सो दोस्तों, ये था आज का मेरा एक पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से एक मैसेज अबाउट सफाई के बारे में। दोस्तों, सो आप सफाई का सख्त ख्याल रखें, और ये ना बोले कि ये कोई और कर रहा है, ये कर रहा है, ये बंदा कर रहा है, ये बंदा कर रहा है। दोस्तों, आपको चाहिए कि आप खुद से ही गंद को गिराते हैं तो आप खुद से ही उसे साफ भी करें। थैंक यू फ्रेंड्स एंड अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल RJ मोहम्मद हसनैन। थैंक यू फ्रेंड्स एंड अल्लाह हाफिज़।